केरल में सोमवार को कोविड-19 से 84 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद बढ़कर 26,342 हो गई है, जबकि 6,996 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,01,796 हो गई है। राज्य में कल कोविड-19 के 10,691 नए मामले सामने आए थे। एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक केरल में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16,576 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 46,73,442 हो गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक फिलहाल राज्य में कोविड-19 के 1,01,419 मरीज उपचाराधीन हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 66,702 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच हुई है। इसके अनुसार राज्य के 14 जिलों में अरनाकुलम में सर्वाधिक 1,058 नए मामले सामने आए हैं, तिरुअनंतपुरम में 1,197 और कोझिकोड में 749 और लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। गौरतलब है कि अगस्त में ओणम त्योहार के बाद केरल में एक समय प्रतिदिन कोविड-19 के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे थे। अब संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में कुल 3,54,720 लोगों की निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 3,42,367 लोग घरों या संस्थागत रूप में पृथकवास में, जबकि 12,353 लोग विभिन्न अस्पतालों में हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।